Goyal, Shri Praveen Sathar, Shri N.K. Bhargav, Shri Suresh Upadhyay, Shri C.S. Rathor, Shri Mahavir Lunawat, and Shri Chand Singh Kothari. मैम, मैं प्रवीण सुथार फोर्टी उदयपुर की पूरी कार्यकारिणी की तरफ से आप बधाए गए यहाँ सभी अतिथि और सभी मेहमानों का स्वागत करता हूँ। फोर्टी जयपुर में 1953 में स्थापना हुई थी, जो कि अभी तक राज्य सरकार और उद्यमियों के बीच में एक सेतु का कार्य कर रही है और जिसकी अभी उदयपुर संभाग की एक कार्यकारिणी की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, जिसकी हम लोग लॉन्चिंग यहाँ पे इस महीने के लास्ट वीक में करेंगे। पर ये इनिशियली एक फर्स्ट में हम एक छोटा सा कर चालू शुरुआत की है आज के इस सेमिनार से। और हमारे यहाँ अभी मेयर साहब अतिथि के रूप में पधारने वाले हैं कुछ देर में, और मंच पे बैठे हैं हमारे फोर्टी जयपुर से सेक्रेटरी श्री सुनील जी गोयल साहब का स्वागत करता हूँ तालियों के साथ और अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ पधार रहे हैं हमारे पेंटोमेट के चेयरमैन श्री महावीर जी रावत साहब का स्वागत है तालियों के साथ अभिनंदन। और शिवा ट्रेडर से पधार गए हैं का भी तालियों से स्वागत और अभिनंदन। एवं यहाँ पे जितने भी पधार रहे हैं जाने माने उद्यमी एवं अतिथियों सबका स्वागत है और अभिनंदन कि आप लोग यहाँ पधारे हैं, आपका स्वागत है। अब धन्यवाद। नाउ आई वुड वेलकम श्री सुनील दत्त गोयल। ऑनरेबल डिग्निटीज ऑन द डायस एंड ऑफ द डायस, महाराणा प्रताप की पावन भूमि को मेरा नमन। उदयपुर में पहली बार इस तरह का प्रोग्राम मैं अटेंड कर रहा हूँ और व्यापार उद्योग जगत के लोगों से मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई। पेंटोमैथ में राजस्थान का जो चैप्टर है वो मैं देख रहा हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ। पिछले 35 साल से स्टॉक मार्केट में मेरा इन्वॉल्वमेंट रहा है। जयपुर स्टॉक एक्सचेंज का मैं प्रमोटर मेम्बर, यंगेस्ट डायरेक्टर और वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ। और सेबी सहित सेबी की कई कमेटियों में मैं मेंबर भी रहा हूँ और 4 साल बैंक में डायरेक्टर रहा हूँ। पिछले 3 साल एडिशनल सेक्रेटरी जनरल 40 और वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल हूँ। फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, जो स्टॉक मार्केट अपन मोर स्पेशली बोले, लोगों में पहले धारणा थी कि सट्टा बाजार पहले कभी रहा था, ऐसा हुआ भी होगा। लेकिन 92 में जब सेबी आई, रेगुलेशंस बनना शुरू हुए, कुछ अच्छे बुरे कड़वे अनुभवों के साथ आज जयपुर, आज इंडिया का जो कैपिटल मार्केट है वो बहुत सिक्योर्ड और बहुत मैच्योर्ड मार्केट है। अगर आप देखें पिछले 8 सालों में जो ग्लोबल रिसेशन चला, उसमें इंडियन स्टॉक मार्केट में शायद ही ऐसी कोई कंपनी या कोई मैनेजमेंट या कोई ब्रोकर फर्म होगी जो बैंकक्रप्ट हुई होगी। तो ये उसकी स्ट्रेंथ और उसके कंप्लायंस की निशानी है। पिछले कुछ समय में सरकार ने SME लिस्टिंग के ऊपर बड़ा फोकस किया। उसकी वजह थी कि पहले बैंक, और आज भी इंडिया में जब बैंक लोन देता तो आपके प्रोजेक्ट के ऊपर लोन नहीं देता। ये हमारी बड़ी गलतफहमी है कि मेरा प्रोजेक्ट बैंक ने लोन दे दिया। वो लोन तो कोई जैसे लोगों का अखबारों पर नाम पढ़ते उन्हीं लोगों को मिलता, बाकी तो हमें तो मॉर्गेज लोन मिलता है। पहले 2 गुना की प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दो, फिर पर्सनल गारंटी भी दे दो, घर का मकान जरूर होना चाहिए। ये सारी बैंकों की जो प्रॉब्लम्स को सरकार ने समझा, उसको रूल आउट करने के लिए उन्होंने निकाला कि SME लिस्टिंग के ऑप्शन दिया जाए। उसमें सरकार ने बहुत सारे रिलैक्सेशन दिए हैं जिसका विस्तार में वर्णन महावीर जी लुनावत करेंगे मेरे मित्र। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि आज की तारीख में जिस तरीके से इंडिया वर्ल्ड इकोनॉमी में ग्रो कर रहा है, तो कोई भी उद्योगपति बैंक के लोन को लेकर के उस दौड़ में कॉम्पीट नहीं कर सकता। उन्हें स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी को लिस्टिंग कराना जरूर चाहिए। बहुत कम पैसों में, बहुत कम खर्चों में कंपनियां लिस्ट हो रही हैं, कंप्लायंस बहुत कम है। लेकिन साथ ही ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा मैं कि जब आप स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी लिस्ट कराएँ तो 2-3 असूलों का ज़रूर ध्यान रखें कि आप जिस ऑब्जेक्ट के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, जिस कमिटमेंट को आपने उस प्रोस्पेक्टस में डाला है,
जिस भरोसे पर आपने इन्वेस्टर से पैसा लिया है, उस भरोसे को आप इन्वेस्टर के साथ बना के रखें। पिछले 35 साल में ऐसी बहुत सारी कंपनी आपने देखी होंगी, रिलायंस भी है, तो ऐसे और बहुत सारे नाम हैं जो शायद आज लोगों को याद भी नहीं, पर रिलायंस का नाम लोगों को याद रहता कि उसने दिया इन्वेस्टर्स को, लिया बहुत है, लेकिन उस कंपेरिजन में जितना भी दिया वो इतना दिया कि वो इंडिया को आज भी लीड कर रहे हैं। तो जब भी आप लिस्टिंग के लिए आएँ, जो अपने प्रोमिसज आप अपने इन्वेस्टर को करें, उन प्रोमिस को पूरा करें, जो पैसा आपको मार्केट से मिले